हाय हाय हारिस, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी। अगर बात जरूरी है तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बोलो। फोन पर नहीं, एक काम करो, घर आ जाओ, गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। पता है, गुड न्यूज़ सुनाने में देर नहीं करनी चाहिए, बताओ। इसलिए तो कह रही हूँ आ जाओ, मैं तुम्हें खुद बताने के लिए बेचैन हूँ। नहीं यार, मैं जरा बिजी हूँ आज बहुत, अभी तो नहीं आ सकता। शाम में आ जाना। शाम में? इजाजत ले लूं तुम्हारी लिए आयशा से? आ जाऊंगा, बाय। अयला क्या बात है यार, क्यों नहीं बता रही? देखो अब तुम मुझे बता दो वरना मैं अंकल को कॉल करके उनसे पूछ लूंगा। वो तुम्हें नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस लिया है कि ये खबर मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। हारिस, जब तुम ये गुड न्यूज सुनोगे ना तो तुम मुझसे ज्यादा खुश होगे। तुम मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा रही हो, क्या बात है? सच कहूं तो मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि वो खबर जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। क्या मतलब, खबर का ताल्लुक मुझसे है क्या? तुमसे और तुम्हारी रिहाई से। मेरी रिहाई से क्या मतलब है यार, मैं नहीं समझा। आई एम गेटिंग मैरिड। रियली? कब? देखा, मुझे मालूम था कि तुम मुझसे ज्यादा खुश होगे। मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हो जाओ। अंकल तो बाहर रहते, तुम कब तक यूं अकेले जिंदगी गुजारती रहोगी? तुम्हारे मशवरे पे तो अमल किया है मैंने। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो, मुझे कभी भी गलत मशवरा नहीं दोगे। तुम मौसूफ कौन है? पापा के ही दोस्त का बेटा है, उनके साथ कनाडा में होता है। अच्छा, क्या नाम है? नाम क्या बताया था, फहीम शायद। कोई पिक्चर वगैरह दिखाओ। तस्वीर नहीं मांगी मैंने। क्या मतलब, तुम नाम के बारे में शोर नहीं हो, पिक्चर तुम्हारे पास है नहीं, तो तुमने हाँ कैसे कर दी फिर? तुम्हारे मशवरे पे अमल किया। और रही बात नाम और तस्वीर की, तब तुम्हारे अलावा कोई भी हो मेरे लिए सब एक बराबर है। I know this is not fair यार, क्या बातें कर रही हो? Everything is fair in love and everything is fair for love। इसका मतलब है कि तुम खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ मैं हारिस, क्या हो गया है तुम्हें? और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने बहुत अच्छा डिनर बनवाया। चलो आओ, चलो। क्यों तकल्लुफ करती हो तुम बार बार यार? चलो कम, हाँ जाओ, चलो आ जाओ। और तुम आयशा से कहना कि मेरे लिए भी दुआ करे, उसकी मैरिड लाइफ की तरह मेरी भी मैरिड लाइफ बहुत खूबसूरत हो। वो इंशाल्लाह जरूर दुआ करेगी, लेकिन दोनों केसेस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है यार। यकीनन अब तुम यही कहोगे कि तुम्हारी और आयशा की लव मैरिज हुई है और मैं फहीम को जानती तक नहीं। एग्जैक्टली। तुम कल ही अंकल से कह के तस्वीरें मंगवा रही हो फहीम की, मुझे देखनी है। ओके, मंगवा लेती हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं लगा तो मैं तुमसे साफ कह दूंगा कि इनकार कर दो। जो मेरे लिए सूटेबल नहीं है उसकी शादी मुझसे होने से रोक सकते हो, और जो मेरे लिए सूटेबल था उसको तुम कायल नहीं कर सके। हारिस, मजाक करी थी, क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, अल्लाह मैं चलता हूँ बस। अब नहीं ना, थोड़ी देर और बैठो। अच्छा चलो टेरेस में चलते हैं, कॉफी पीते हैं। नहीं यार, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, वैसे भी इट्स टू लेट नाउ। प्लीज हारिस, फिर कभी से, प्लीज, मैं कह रहा हूँ। बाय बाय। कभी दिल ना टूटे प्यार।